नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ इसका आरंभ हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा में आर्थिक सर्वे प्रस्तुत हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करने के एक दिन पहले यानी कि आज आर्थिक सर्वे प्रस्तुत कर चुकी हैं। वहीं मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे जिसमें आर्थिक सर्वे के मुख्य बिंदुओं का विवरण साझा किया जाएगा। वहीं कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022-23 प्रस्तुत करेंगी। बिहार पुलिस अपने अजीबोगरीब कारनामों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती है। ताज़ा मामला प्रदेश के वैशाली जिले का है जहां थानेदार के आदेश पर सिपाहियों को कैदियों को 22 किलोमीटर दूर जेल पैदल लेकर जाना पड़ा। अब सिपाहियों की तरफ से कैदियों को सड़क पर लेकर चलने का वीडियो वायरल हो रहा है जिससे बिहार पुलिस की किरकिरी हो रही है। दरअसल जिले के महुआ थाने की पुलिस ने पुलिस पर हमला करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि गिरफ्तार आरोपियों को जब जेल भेजने की बारी आई तो थानेदार ने गाड़ी नहीं होने की बात कही। ऐसे में आरोपियों को जेल पहुंचाने वाले सिपाहियों ने जब थानेदार से पूछा कि बिना गाड़ी के इतनी दूर कैसे जाएंगे तो एसएचओ ने दो टूक कह दिया कि पैदल जाओ। ऐसे में उनके गुस्से को देख सिपाही सहम गए और गुस्से को आदेश मान पैदल ही कैदियों को लेकर थाने की ओर निकल पड़े। कानपुर में रविवार रात एक दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की जान चली गई जहां ताकमिल चौराहे के पास बेकाबू इलेक्ट्रॉनिक बस ने 17 वाहनों को टक्कर मार दी। घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद लोगों का कहना है कि बस का चालक नशे में था जिसके चलते ये घटना हुई। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि बस का ब्रेक फेल हो गया था। हकीकत क्या है इसको लेकर पुलिस अपनी जाँच करेगी। फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान का प्रयास कर रही है। पुलिस फिलहाल बस चालक को तलाश और हादसे की वजह की जांच में जुटी हुई है। इस सड़क हादसा देखकर राहगीरों की रूह कांप गई। एक इलेक्ट्रिक बस का ड्राइवर बताया जाता है कि अनियंत्रित होके और उसने कुछ लोगों को हिट करता हुआ लाया और इस जो ट्रैफिक का पोल था यहाँ उसने आके अपनी बस को हिट किया था। उसी वक्त सामने से एक ट्रक आ रहा था, उस ट्रक पर भी उसने एक्सीडेंट किया है। कुछ लोगों की इसमें जान गई है, एग्जैक्ट कितने लोग हैं उनको मैं अभी कंफर्म करूंगा। कुछ लोग घायल हुए हैं जिनको तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस ने हॉस्पिटलाइज कराया है, जिनका इलाज चल रहा है। इसमें टोटल कितने घायल हैं और कितने लोग हताहत हुए हैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी हम लोगों को पता चलेगी तो आप लोगों को बता देंगे। देखिए, एक दुखद घटना हुई है ये घंटाघर से टाटमिल के बीच में एक बस के द्वारा। इसमें तत्काल जब मौके पे जब पुलिस को जब सूचना मिली तो आसपास के थाना क्षेत्रों को भी तत्काल रवाना किया गया, एम्बुलेंस को भी रवाना किया गया। जो भी लोग यहाँ पे घायल थे, हताहत थे, उनको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया है। जो अभी तक का आंकड़ा है जो अभी कन्फर्म हो पाया लगभग 5 के आसपास है, 5 से 6 हो सकता है। और जितने भी घायल हैं सबको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। बाकी और जो रेस्क्यू काम है, जो ट्रैफिक जाम हुआ है वो कराया जा रहा है और जो बस ड्राइवर उसकी भी हम लोग खोज कर रहे हैं और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी वो लगभग सारी की जाएगी। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के नेता और अमृतसर पूर्व से पार्टी प्रत्याशी बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को अंतरिम राहत मिली है। ड्रग्स से जुड़े एक मामले में 23 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 फरवरी को मजीठिया निचली अदालत में समर्पण करके नियमित जमानत की मांग करें। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को नसीहत भी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी छवि ना बनाएं कि आप राजनीतिक उद्देश्य से प्रतिद्वंद्वियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में उछाल के बाद अब एक बार फिर नए मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, पर इनके बीच पिछले एक हफ्ते में संक्रमित मरीजों की मौत के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को देश भर में कोरोना के 2,34,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, वहीं 800 से ज्यादा संक्रमितों ने कोविड की वजह से अपनी जान गंवा दी। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में एक्टिव केसेस की संख्या काफी कम हो गई है और अब इनकी संख्या घटकर 18,84,000 से ज्यादा है, जो संक्रमितों की कुल संख्या का 4.59% है। वहीं देश में कोविड का रिकवरी रेट 93.89% पर पहुंच गया है।
संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में किसानों ने एसडीएम कोर्ट पहुंचते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित कर केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में दर्जन भर से ज्यादा किसानों ने एसडीएम परिसर पहुंचते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। दिसंबर 2021 को जब हमारा किसान आंदोलन वहाँ पर चल रहा था तो केंद्र के गृह मंत्रालय द्वारा एक लेटर आया कि जिसमें हमारी जो मांगें थीं कि हमारे सभी केस जो हमारे आंदोलन के दौरान हम पे लगे हुए हैं वो वापस किए जाएंगे। एमएसपी पर इन्होंने नाम मांगे थे हमसे 5, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और जो शहीद परिवार हैं उन्हें मुआवजा और सरकारी नौकरियों का प्रावधान जो इन्होंने उसमें वादा किया था हमसे, एक दो वादे और थे इनके, लेकिन आज लगभग 2 महीने हो गए अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई। 15 जनवरी को हमारे संयुक्त मोर्चे की सिंगू बॉर्डर पर मीटिंग हुई थी जिसमें ये फैसला लिया गया था कि 31 जनवरी को हम वादा खिलाफी दिवस जो है भाजपा केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ हम मनाएंगे। आज हमारा वैसे तो प्रदर्शन करने का कार्यक्रम था पूरे प्रदेश भर में, लेकिन कोविड को देखते हुए और आचार संहिता लगी हुई है ऐसे देखते हुए हमने ज्ञापन का ही कार्यक्रम रखा। और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के किसान आज वहां विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। वहीं गदरपुर क्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तराई किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह कलसी के नेतृत्व में किसानों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस मौके पर तराई किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बलविंदर सिंह कालसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेने की बात कही थी जिसे 10 या 15 दिन के बाद एक लिखित समझौते के बाद किसानों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए एक कमेटी को बनाए जाने का प्रस्ताव था। एमएसपी पर कानून बनाने की बात कही गई थी लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए हमने विश्वासघात दिवस मनाने का निर्णय लिया। ऐसा है कि जब वहाँ से संयुक्त मोर्चे ने अपना आंदोलन उठाया था तो उस समय सरकार के साथ कुछ लिखित समझौता हुआ था, क्योंकि बिना लिखित के वहाँ से किसानों ने उठने के लिए मना कर दिया था और 15-20 दिन उसके बाद भी बैठे रहे तीनों कानून वापस होने के, और यही कारण था कि कहीं कल के दिन सरकार अपने किसी वायदे से मुकर ना जाए, इसलिए किसान वहाँ बैठा रहा। और लिखित जो लिया जब उसका लिखित अग्रवाल जी के द्वारा दिया गया तो उस पर सरकार ने कहा था हम जल्द जो है एमएसपी के लिए एक बनाएंगे कमेटी और बाकी चीज़ें जो मांगे हैं केस वगैरह आपके वापस लिए जाएंगे। देखिए संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश था कि आज 31 तारीख को वादा खिलाफी के उसमें ज्ञापन दिया जाए और पुतला जलाया जाए, तो पुतला तो जलाने की परमिशन हमें दी नहीं प्रशासन ने, तो हमने ज्ञापन ही दिया है। ज्ञापन इसलिए दिया है क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चे ने आंदोलन स्थगित किया था उसको किसी शर्त पर किया था कि जो एक कमेटी बनी थी और जो उसमें लिखित में दिया था सरकार को तो वो काम जो सरकार जो मुकदमे हैं लिखे किसानों पर वो वापस लेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। बताया जा रहा है कि बीजेपी सांसद अलता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी सपा में शामिल हो सकते हैं। सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के लखनऊ के महत्वपूर्ण नेताओं को पार्टी दफ्तर बुलाया गया है और रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक आज शाम समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल के बीच लंबे वक्त से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की भी नाराजगी की चर्चा है। दरअसल रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि उनके बेटे ने लखनऊ कैंट से टिकट मांगा है। हालांकि सीट से अपर्णा यादव समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए सीट सिरदर्द बनी हुई है। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत, मैं वो नहीं हूं जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूं जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूं। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं उसी पे बात करता हूं। राष्ट्रहित 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 किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है, बजा के पूछिए इनसे
कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुंच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार जाती है? हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे को डर भैया? तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। आगरा दक्षिण विधानसभा में कोविड प्रोटोकॉल्स और आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, जहां पर मंटौला में भारी भीड़ दिखाई दी। इतना ही नहीं, लोगों ने दक्षिण विधानसभा से सपा प्रत्याशी विनय अग्रवाल को नोटों की माला भी पहनाई। बाराबंकी में बेटे का टिकट कटने पर सदमे में पिता की मौत हो गई। बता दें कि दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में मजबूत दावेदारी रखने वाले सपा नेता राजा राजीव कुमार सिंह के बेटे रितेश सिंह का समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया। बेटे का टिकट कटने से 6 बार विधायक और 1 बार मंत्री रहे राजा राजीव कुमार सिंह सदमे में आ गए और उनकी तबीयत बिगड़ गई। बेटे का टिकट कटने का सदमा इतना गहरा लगा कि आज सपा नेता दम तोड़ दिया। सपा नेता की मौत से समर्थकों और क्षेत्र में शोक की लहर है। पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी और पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा ने नामांकन के दौरान योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी के गर्मी निकालने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि योगी जी गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं, ठंडा तेल मले, शायद गर्मी उनके दिमाग पर चढ़ गई है। साथ ही कहा कि पूरे प्रदेश में 5 सालों में बीजेपी सरकार ने आम आदमी का जीना तू भर कर दिया, किसान परेशान है, प्रदेश की जनता सपा के प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देखिए आज पूरे प्रदेश में जो 5 सालों में बीजेपी की जो सरकार रही है, और इस सरकार ने आम आदमी का जीना बिल्कुल दूभर कर दिया। आज किसानों को उनकी फसलों का मूल्य नहीं मिल पाया, किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया गया, 750 से ऊपर किसानों की शहादत इस सरकार में हुई। तो आज किसान भी परेशान है और लोग महंगाई से परेशान हैं, आवारा पशुओं से परेशान हैं, और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगारी चरम पर है। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को याद कर रही है, और माननीय अखिलेश यादव जी को पूरे प्रदेश के लोगों का समर्थन है। सपा
सीतापुर के मिश्रिक से सपा और सुभासपा गठबंधन प्रत्याशी मनोज राजवंशी अपने समर्थकों के अनोखे अंदाज में बैलगाड़ी से नामांकन करने पहुंचे। आपको बता दें कि मनोज राजवंशी पूर्व मंत्री रामपाल के बेटे हैं। सपा के दो प्रत्याशी अनिल वर्मा और राधेश्याम जायसवाल ने भी अपना नामांकन किया। लेरपुर विधानसभा से जहां सपा प्रत्याशी अनिल वर्मा ने नामांकन किया, तो वहीं सपा प्रत्याशी राधेश्याम जायसवाल ने सीतापुर सदर सीट से नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर आगरा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सिकड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने आगरा पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री किरावली में पार्टी प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने किरावली के मैदान से समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर फिर से निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस और बसपा पर भी करारे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने औरंगजेब को धूल चटाने वाले गोकुल जाट के सम्मान नहीं किया, हमने किया है। पिछली सपा सरकार ने दिव्यांगजनों की पेंशन को रोक दिया था, हमने उनकी पेंशन लागू की। डबल इंजन की सरकार बेटी के जन्म से स्नातक की पढ़ाई तक का जिम्मा लेती है, उनके विवाह के लिए भी इंतजाम किया है, बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा उठाया। अब दंगा करने वाले 10 बार सोचते हैं कि दंगा करेंगे तो बाप दादा की कमाई संपत्ति बिक जाएगी, पोस्टर अलग चस्पा होंगे। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में एक होटल में पुलिस की तरफ से छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें पुलिस ने 3 युवतियों सहित 4 युवक भी गिरफ्तार कर लिए हैं। वहीं पुलिस ने मौके से तमाम आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। इसके साथ ही होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए होटल को सीज कर दिया है। हमें ये सूचना मिली थी जिसमें थाने की टीम गई, ये शिवम वाटिका होटल है नानकमत्ता में, जिसके मालिक अखिलेश मिश्रा जी है। तो होटल में छापा मारा, वहाँ पर जो है 3 लड़कियाँ और 4 लड़के पकड़े गए हैं। एक लड़की झारखंड की है और एक दिल्ली की और एक जो है वो हरियाणा की लड़की है, जो अनैतिक देह व्यापार के धंधे में जो है वो लिप्त मिली है। और सर लड़के पिथौरागढ़ के हैं, वो अपने को जो है पिथौरागढ़ जनपद के बता रहे हैं लड़के। सर जो होटल पर कोई कार्रवाई की गई, सीज की कार्रवाई इसमें कोई की है? हाँ, होटल पर सीज की कार्रवाई कर दी गई है। और कौन से अभियुक्त पंजीकृत इसमें अनैतिक देह व्यापार से संबंधित जो है मुकदमा पंजीकृत हो गया है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी ने आवास विकास स्थित एक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे। कार्यक्रम से पहले मदन कौशिक का कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर जोश भरा और कहा कि कार्यकर्ताओं को अपने जोश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देनी है, सामने वाले को कमजोर नहीं समझना है, एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य करना है। यदि आप ही कह रहे हैं जन समर्थन मिल रहा है, तो पहले मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से जो प्यार मुझे जनता का मिल रहा है, मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत का मिल रहा है, आने वाले समय में जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा और मुझे भी पूरा भरोसा है कि इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र की सीट डालने वाले हैं। और जिस प्रकार से विकास कार्य इस दौरान मेरे इस 5 साल में किए गए, मेरी सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे माननीय मोदी जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर या मेरे पूरे उत्तराखंड पर रहा हो, तो अब कोई संशय बचता नहीं है। और घर घर में जाके जिस प्रकार से कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, गली गली कूचे कूचे में जा रहा है, उसके बावजूद जनता सिर्फ एक ही बात कह रही है, भैया क्यों आ रहे हो, आप तो जीते हो, लेकिन फिर भी मेहनत हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा मतांतर बढ़े। मैं भरोसा कर रहा हूँ कि बहुत बड़े अंतर से हम ये सीट जीते। ऋषिकेश में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने घोषणा की झड़ी लगा दी। कैबिनेट मंत्री का कहना था कि पिछले कुछ सालों से सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं और निजी स्कूलों के हाथों में दिया जा रहा है, और साथ ही उत्तराखंड बिजली बनाता है लेकिन उत्तराखंड की जनता को बिजली महंगी मिल रही है। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के सपनों को अभी तक किसी भी पार्टी ने पूरा नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के हर सपने को पूरा करेगी। चुनाव में देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब टिकट वितरण होता है, एक विधानसभा में टिकट तो एक ही को मिलेगा, काम तो सैकड़ों लोग हजारों लोग करते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था तो होता ही है। जब टिकट नहीं मिलता कुछ समय के लिए, कुछ लोगों में उदासी आती है, लेकिन सब लोग अल्टीमेटली मिलके आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए थे। मैं कहना चाहता हूँ जनता को कि आप उत्तराखंड का नवनिर्माण करने के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, पहले आपके पास विकल्प नहीं था, इस बार विकल्प आम आदमी पार्टी है। आप चलाकर उत्तराखंड में जितनी भी गंदगी इकट्ठी होगी उसको सफाया कर दो।
कानपुर टाटमेल क्षेत्र में हुए सड़क हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने घटना पर शोक प्रकट किया। सीएम ने कहा कि प्रशासन को घायलों का इलाज कराने का निर्देश दिया गया है और साथ ही साथ उनके उचित इलाज को लेकर भी लगातार प्रार्थना की जा रही है। कालाडूंगी में टिकट न मिलने पर बागी हुए और निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुके बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट अपना नामांकन वापस लेंगे। जानकारी के मुताबिक पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष गजराज बिष्ट को मनाने के लिए पार्टी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गजराज बिष्ट के आवास पहुंचे और उनको कालाडूंगी सीट पर अपना नाम वापस लेने का आग्रह किया है। में प्रदेश के महामंत्री भी रहे, मंडी परिषद के हमारे अध्यक्ष रहे, हम सब उनको बहुत लंबे समय से उनके योगदान को जानते हैं। उन्होंने नामांकन किया है और मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप जनहित में कालाडूंगी की जनता आपको चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आखिर बंसीधर भगत जी को अगर पार्टी ने टिकट दिया है तो आप एक बार हमारे अनुरोध पर और अपना नामांकन वापस ले लीजिए। भाई साहब ने जो भी बात कही है वही काफ़ी है। मैं तो केवल अपने जीवन का एक शेर मुझे आज याद आ रहा है, वही आप सबके सामने में रख देता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। कि हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मुझे केवल इतना ही कहना है और मुझे बाकी मुझे कुछ नहीं कहना। फरुखाबाद के कुंदन नंगला में दबंगों ने पुरानी रंजिश में युवक को दौड़ा दौड़ाकर लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिसमें युवक को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं लहूलुहान हालत में युवक थाने पहुंचा, शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। हमीरपुर में पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया। मामला जरिया थाना क्षेत्र के चंडौत गाँव का है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था, तभी पति को पत्नी ने पीट दिया, जिससे हाथ पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। आरोपी के छोटे भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हमारी भाई भाभी और भाई का लड़ाई झगड़ा हो गया रात में, उसने मार दिया। किसने किसको मार दिया? भाई ने, भाभी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वही खाना पीना मत। क्या हुआ, हत्या कर दी? हत्या कर दी। कौन सी चीज पे मारा है? कौन सी चीज पे मारा है? कुल्हाड़ी। कब की घटना है ये? सर करीब 2 बजे रात की। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ पॉल इंडिया के साथ।